पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इसी पर बात करेंगे, कामरान अली हमारे साथ मौजूद है। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरखानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई की जानिब से काजी अनवर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का इख्तियार नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इस पर भी पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त देने का हक जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ही मजाज इदारा है और हाईकोर्ट के फैसले के बायस जो है तमाम मामला रुक गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने 16 दीगर पार्टियों की लिस्ट भी हाईकोर्ट को फराहम की जिनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बायस उनके निशानात भी नहीं दिए गए। इसलिए उन्होंने इस्तदा की कि 13 जनवरी तक मामला को तय करना, इसलिए जो फैसला दिया गया वो वापस लिया जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया और मुमकिन तौर पर आज ही फैसला सुनाया जा सकता है। जी, अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अपडेट कर रहे थे कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका।